ये जो आज आप हमारे पीछे लहरें देख रहे हैं, इनकी रफ्तार बहुत तेज है, लेकिन इनमें बहुत ज़्यादा शोर है। लेकिन आज मेरे पास एक ऐसा स्कूटर है जिसकी स्पीड तो काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन बहुत ही शांत स्कूटर है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभम। आज मैं लेकर आ चुका हूँ एथर 450X स्कूटर। इसका मैं डिटेल में रिव्यू करने वाला हूँ। इसके प्राइस, इसके स्पेसिफिकेशन, इसके फीचर्स और ये चलने में कैसा है, वो सारी चीज़ें मैं बताने वाला हूँ। तो बने रहिए वीडियो के साथ। अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा शोर है, तो हम चलते हैं और कहीं शूट करने और बताते हैं इस स्कूटर के बारे में। तो दोस्तों, हम सबसे पहले बात करते हैं इसकी डिज़ाइन की। काफ़ी फ्यूचरिस्टिक डिज़ाइन यहाँ पर देखने को मिल जाती है, काफ़ी एग्रेसिव लुक आ जाता है, काफ़ी अपीलिंग है यहाँ पर। तो अगर देखा जाए तो यूथ को काफ़ी ज़्यादा ये डिज़ाइन पसंद आएगा। यहाँ पर इसमें टोटल 3 कलर का ऑप्शन मिल जाता है। ये जो आप कलर यहाँ पर देख रहे हैं, ये मिंट ग्रीन है, स्पेस ग्रे कलर मिल जाता है और वाइट कलर का ऑप्शन मिल जाता है। इसकी रेंज की बात करें तो 85 किलोमीटर तक की इसकी रेंज आ जाती है। रेंज भी देखा जाए तो ठीक ठाक यहाँ पर दी गई है। वहीं इसमें डिफरेंट राइडिंग मोड्स मिल जाते हैं। इसमें बैटरी दी गई है 6 किलोवाट की और टॉर्क मिल जाता है 26 Nm का। तो यहाँ पर पावर आउटपुट भी काफ़ी बेहतर कंपनी देती है। जो भी यहाँ पर लाइट यूज़ की जाती है वो यहाँ पर कंप्लीट LED के साथ में आ जाती है। दोस्तों, अगर मैं इसके ऑन रोड प्राइस की बात करूँ तो 1,66,000 के आसपास इसका ऑन रोड प्राइस आ जाता है चेन्नई का। तो दोस्तों, आप इस स्कूटर को फ्रंट से देखेंगे, काफ़ी अपीलिंग नज़र आता है, काफ़ी स्लीक सी डिज़ाइन आ जाती है। जितने भी अभी इलेक्ट्रिक में स्कूटर आते हैं उसमें इसकी डिज़ाइन काफ़ी अलग रखी गई है, काफ़ी स्पोर्टी आ जाती है, यूथ को काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा। शार्प सी यहाँ पर डिज़ाइन दी गई है फ्रंट पर। जैसे ही आप इग्निशन को ऑन करते हैं तो यहाँ पर LED लाइट जलती हुई नज़र आएगी। वहीं इसके साथ में यहाँ पर टर्न सिग्नल लैंप भी अटैच है। वहीं नीचे की तरफ में आप नज़र डालेंगे तो एक बड़ा सा यहाँ पर हेडलैम्प दिया गया है। हालांकि जो लाइट है वो नीचे की तरफ में यहाँ पर माउंट की गई हैं, काफ़ी खूबसूरत नज़र आता है। जब आप रात के समय इसको देखेंगे तो काफ़ी अपीलिंग ये स्कूटर हो जाता है। वहीं साइड में यहाँ पर 450X की बैजिंग दी गई है और यहाँ पर देखेंगे तो डिफरेंट कट्स देखने को मिल जाते हैं। आगे से आप देखेंगे तो काफ़ी पतला स्कूटर नज़र आता है, लेकिन काफ़ी शार्प सी इसकी डिज़ाइन रखी गई है। छोटा सा यहाँ पर फेंडर मिल जाता है। वहीं फ्रंट पर टेलीस्कोपिक सस्पेंशन दिए गए हैं। 200 mm की यहाँ पर पेटल डिस्प्ले आ जाती है और यहाँ पर 12 इंचेस के अलॉय व्हील दिए गए हैं, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ हो जाती है कि बड़े से यहाँ पर अलॉय व्हील मिल जाते हैं। वहीं टायर मिल जाता है 90x90 सेक्शन का, बड़ा सा टायर दिया गया है, ट्यूबलेस है और ये MRF का आ जाता है। तो यहाँ पर CBS ब्रेकिंग सिस्टम दिया गया है, यानी कंबाइन ब्रेकिंग सिस्टम दिया गया है, जिसकी वजह से क्या है, इसकी ब्रेकिंग क्वालिटी और भी बेहतर हो जाती है। वहीं आप साइड से इस स्कूटर पर नज़र डालेंगे, साइड से भी काफ़ी बड़ा ये स्कूटर नज़र आता है, काफ़ी कट्स देखने को यहाँ पर मिल जाते हैं। तो यहाँ पर स्पेस देखेंगे तो ठीक ठाक यहाँ पर स्पेस दिया गया है। फ्लोर बोर्ड देख रहे हैं, फ्लोर बोर्ड भी काफ़ी यहाँ पर चौड़ा रखा गया है, तो आप सामान वगैरह रखना चाहें तो आराम से इस पर रख सकते हैं। आगे की तरफ में यहाँ पर बोर्ड पे एक हुक भी दिया गया है, ताकि आप कुछ भी टांगना चाहें तो टांग सकते हैं। तो कंपनी ने ये भी ध्यान रखा है कि किसी को कोई लगेज वगैरह अगर कैरी करना है तो वो कैरी कर सकता है। वहीं साइड में यहाँ पर ये चार्जिंग पॉइंट दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर पोर्टेबल चार्जर आ जाता है। कंपनी यहाँ पर आपको चार्जर भी साथ में देगी, और अगर आपको स्कूटर चार्ज करना है बाहर तो यहाँ एथर ग्रिड पावर स्टेशन भी मिल जाते हैं, जो कि कंपनी लगातार कई शहरों में बढ़ाती हुई जा रही है, जहाँ जहाँ पर ये स्कूटर अवेलेबल है। राइट साइड पर आप नज़र डालेंगे तो यहाँ पर कुछ ऐसा इग्निशन देखने को मिल जाता है। यहीं से आप इसको ऑन ऑफ कर पाते हैं, लॉक कर पाते हैं, और इसी से आप अगर बूट स्पेस ओपन करना है तो आप हल्का सा इसको प्रेस करते हैं तो बूट स्पेस ओपन हो जाता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो कुछ ऐसा यहाँ पर बूट स्पेस मिल जाता है। यहाँ पर हेलमेट रखा है, जो कि आप आराम से यहाँ पर रख सकते हैं, लेकिन हाँ, लार्ज साइज़ का नहीं रख सकते हैं, लेकिन ठीक ठाक यहाँ पर स्पेस दिया गया है। तो जैसा आप यहाँ पर देखेंगे तो ठीक ठाक ये स्पेस दिया गया है, और साथ में ये चार्जर जो देख रहे हैं, ये पोर्टेबल चार्जर आ जाता है, और जहाँ भी आप चाहें तो वहाँ चार्ज कर सकते हैं, बस लाइट होनी चाहिए, तो ये चीज़ भी अच्छी हो जाती है। तो एक बड़ा सा यहाँ पर स्पेस दिया गया है। अगर रात के समय आप इसको यूज़ कर रहे हैं तो ये यहाँ पर देख रहे हैं, एक बेहतर यहाँ पर LED लाइट दी गई है, काफ़ी खूबसूरत सी आ जाती है। रात के समय जब आप इसको यहाँ ओपन करेंगे तो देखने में काफ़ी खूबसूरत नज़र आएगा और काफ़ी ब्राइट लाइट आ जाती है।
सीट ठीक ठाक रखी गई है, दो लोग आराम से यहाँ पर बैठ सकते हैं। सॉफ्ट कुशन क्वालिटी आ जाती है और यहाँ पर ब्लैक कवर आपको देखने को मिल जाता है। वहीं पीलियन गैब्रियल देखेंगे, बड़ा सा रखा है कंपनी ने और यहाँ पर भी काफ़ी डिज़ाइनर सा आ जाता है। अच्छी ग्रिप मिलेगी दोनों साइड में, आप पकड़ना चाहें तो इसको पकड़ सकते हैं, अच्छी ग्रिप यहाँ पर मिलेगी। वहीं आप देखेंगे तो रियर पर मोनोशॉक ऑब्जॉर्वर दिए गए हैं, रियर टायर यहाँ पर मिल जाता है 90x90 सेक्शन का, 12 इंचेस के बड़े से व्हील दिए गए हैं। तो ये चीज़ अच्छी है कि फ्रंट और रियर दोनों ही व्हील यहाँ पर 12 इंचेस के मिल जाते हैं। ये यहाँ पर देखेंगे तो CBS ब्रेकिंग सिस्टम के साथ में आ जाती है। रियर पर भी यहाँ पर डिस्क मिल जाती है जो कि अमूमन पेट्रोल के स्कूटर में भी देखने को नहीं मिलता है। तो यहाँ पर एथर कंपनी ने काफ़ी अपडेटेड यहाँ पर ये वर्जन दिया है। रियर टेल लैम्प देखेंगे तो काफ़ी अलग सी डिज़ाइन रखी गई है और कट्स देखने को मिल जाते हैं, काफ़ी पतली सी यहाँ पर ये डिज़ाइन आ जाती है, जब दूर से आप देखते हैं तो खूबसूरत ये नज़र आती है। सो गाइस यहाँ पर इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर रखा गया है, एक बड़ी सी यहाँ पर डिस्प्ले दी गई है जो कि अमूमन स्कूटर्स में देखने को नहीं मिलती है। यहाँ पर ये टच स्क्रीन के साथ में आ जाती है जो कि ये ब्लूटूथ एनेबल्ड है और यहाँ पर आप देख रहे हैं तो बड़े से फॉन्ट्स देखने को मिल जाते हैं। सबसे पहले यहाँ पर ऑडोमीटर है और ट्रिप भी का आ जाता है, करंट राइड कितनी की है वो देखिए यहाँ पर आ जाता है, एवरेज स्पीड क्या मैंने मेंटेन की है वो आ जाता है, साथ में बैटरी की पावर कितनी है, अभी कितनी रेंज बची हुई है वो भी इंडिकेट करता है। ये यहाँ पर आप देख रहे हैं तो यहाँ पर मोड दिए गए हैं, सबसे यहाँ पर क्या है कि ये इको मोड आ जाता है और राइडिंग मोड आ जाता है, स्पोर्ट मोड आ जाता है और साथ में ये रैप मोड दिया गया है जो कि अभी ये नया कंपनी ने इंक्लूड किया है। तो जिस साथ में जैसे जैसे आप राइडिंग मोड चेंज करेंगे वैसे वैसे रेंज यहाँ पर बदलती जाएगी क्योंकि स्पीड उसी हिसाब से बढ़ती जाती है। साथ में यहाँ पर आप देखेंगे डिफरेंट सेटिंग का ऑप्शन आ जाता है, जैसे जनरल में यहाँ पर क्या रजिस्ट्रेशन नंबर है, VIN नंबर है, सॉफ्टवेयर कौन सा है, वो सारी चीज़ें आ जाती है। साथ में यहाँ पर सेटिंग का ऑप्शन दिया गया है जो कि यहाँ पर ऊपर की तरफ में आपको डिस्प्ले का कैसा कितनी ब्राइटनेस रखनी है वो सेट कर सकते हैं। और देखिए बहुत ही स्मूथली ये यहाँ पर कंसोल पैनल काम कर रहा है, ये चीज़ काफ़ी अच्छी हो जाती है। नीचे की तरफ में है जो यहाँ पर थीम यूज़ की गई है वो लाइट में रखनी है या डार्क में रखनी है, जैसे मैंने डार्क सेट किया तो ये यहाँ पर पूरा डार्क हो गया, तो ये चीज़ यहाँ पर देखने को मिल जाती है। साथ में साउंड का भी यहाँ पर दिया गया है कि जैसे आप ये इंडिकेटर मैं यूज़ कर रहा हूँ, ये साउंड बंद करना चाहूँ तो यहाँ पर मैं बंद कर, जैसे मैंने यहाँ पर बंद कर दिया तो अब यहाँ पर ये साउंड नहीं आ रहा है। डॉक्यूमेंट्स में क्या है कि आप इस पे सॉफ्ट कॉपी अपनी सेव कर सकते हैं, जो भी इस स्कूटर के पेपर वगैरह हैं, तो ये चीज़ भी काफ़ी अच्छा हो जाता है। साथ में नीचे की तरफ में शट डाउन का यहाँ पर दिया गया है, स्कूटर को आप बैक भी कर सकते हैं जो कि यहाँ पर ये भी फीचर दिया गया है। जब आप इसको यूज़ करते हैं यहाँ पर ब्रेक के साथ में और इसको आप स्लाइड कर देते हैं तो ये पीछे भी चला जाता है। ऊपर की तरफ में यहाँ पर क्या है कि टाइम आ रहा है और नीचे की तरफ में यहाँ पर लिखा हुआ है मोटर ऑफ। तो जैसे ही आप इस स्कूटर को स्टार्ट करते हैं तो आपको क्या करना है कि आपको सिर्फ बटन प्रेस करनी है राइट साइड पे, तो ये स्कूटर स्टार्ट हो जाएगा ब्रेक के साथ में। लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, अगर इस स्कूटर का साइड स्टैंड लगा है तो ये स्कूटर स्टार्ट नहीं होगा। तो जैसे अभी क्या है इसका यहाँ पर ये स्टैंड लगा हुआ है और मैं ब्रेक के साथ में इसको स्टार्ट कर रहा हूँ तो यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है क्लोज साइड स्टैंड, तो ये चीज़ अच्छी हो जाती है, सेफ्टी के लिहाज से कंपनी ने अच्छा फीचर यहाँ पर दे रखा है। जब मैंने इस स्कूटर को चलाकर देखा तो ये एक पावरफुल स्कूटर नज़र आया, जैसा इसका डिज़ाइन है, जैसा कंपनी इसको बोलती है कि एक पावरफुल स्कूटर है वैसा ही इसकी परफॉर्मेंस भी लगी। अगर आप इसको नॉर्मल ट्रैफिक में भी चलाते हैं तो आप इको मोड आपके लिए काफ़ी बेहतर रहेगा। एक तो इसमें इकोनॉमी यानी रेंज ज़्यादा मिलती है, दूसरी चीज़ है कि इसमें ठीक ठाक पावर मिल जाती है। इसका मतलब ये है कि आपको राइडिंग मोड या स्पोर्ट मोड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ट्रैफिक में ठीक ठाक पावर यहाँ पर मिल जाता है, जो कि मैंने सिटी में जब मैंने चलाया तो लगभग मैंने 100 किलोमीटर के आसपास राइड की, जिसमें 50% मैंने इकोनॉमी मोड में ही चलाया जो कि इकोनॉमी मोड में काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा था। वहीं अगर आपको थोड़ा ज़्यादा पावर चाहिए तो आप राइडिंग मोड पे जा सकते हैं, लेकिन इसका स्पोर्ट और रैप मोड काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त है। रैप मोड में जब आप स्कूटर को चलाते हैं तो आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि ये इलेक्ट्रिक स्कूटर है। वहीं जब आप हल्का स्कूटर को आप थ्रॉटल लेते हैं तो हल्का ये साउंड करता है, जो कि एक अच्छी चीज़ हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक स्कूटर में पता नहीं चलता है कि ये स्कूटर चल रहा है या नहीं चल रहा है, लेकिन इसमें क्या है कि हल्का सा साउंड होता है जो कि बताता है कि हाँ ये स्कूटर है, या प्रेजेंस देता है कि ये कोई व्हीकल है जो कि रोड पर चल रहा है, जो कि ये काफ़ी अच्छी चीज़ हो जाती है। ब्रेकिंग काफ़ी अच्छी रखी गई है, हालाँकि थोड़ा सा और बेहतर अगर कर दिया जाए तो काफ़ी अच्छा रहेगा। इसके सस्पेंशन सेटअप की मैं बात करूँ तो रियर सस्पेंशन
काफ़ी ज़बरदस्त लगे। मैंने थोड़ा सा ख़राब रास्तों पर भी चलाया। वहीं फ्रंट पर टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिल जाते हैं जो कि ओके ओके मुझे लगे। रोड प्रेजेंस की बात करें तो रोड पर काफ़ी ज़्यादा लोग नोटिस कर रहे थे। कई लोगों ने मुझसे पूछा भी कि इसकी रेंज कितनी है, कितना प्राइस है। तो ये लोगों को स्कूटर काफ़ी अट्रैक्ट कर रहा था, ख़ास तौर पर जो इसका डिज़ाइन है। और जब मैं इसको रैप मोड में स्कूटर को भगा रहा था तो काफ़ी लोग मुझे चेस भी कर रहे थे और पलट के देख रहे थे, जो कि ये एक काफ़ी अच्छी चीज़ हो जाती है कि कॉमन स्कूटर से आपको ये अलग स्कूटर मिल जाता है। ये स्कूटर 0-40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड मात्र 3.3 सेकंड में पकड़ लेता है, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ हो जाती है। टॉर्क मिल जाता है 26 Nm का। इस स्कूटर की टॉप स्पीड हो जाती है 80 किलोमीटर पर आवर की। इसको हैंडल कर पाना काफ़ी ईजी हो जाता है, जो अगर लड़कियाँ भी चलाना चाहें तो वो भी काफ़ी बेहतर तरीके से इसको चला सकती हैं। हर एक जनरेशन का राइडर इसको चला सकता है। इसका डिज़ाइन ज़रूर यूथ अपीलिंग है, लेकिन इसको हर एक वर्ग का कस्टमर या राइडर इसको चला सकता है। दूसरी चीज़ है कि सीटिंग कंफर्ट भी काफ़ी बेहतर लगा, कुशन क्वालिटी अच्छी थी, दो लोग आराम से इसकी सीट पे बैठ सकते हैं। मैंने खुद पिलियन को कैरी करते हुए चलाया था और मेरा वेट अराउंड 75 केजी था, मेरे पिलियन का वेट अराउंड 80 केजी था। मान के चलिए 150 केजी के आसपास इस पर मैंने वेट दे रखा था। अगर ट्रैफिक में भी आप इसको राइड करते हैं तो काफ़ी बेहतर रहेगा, फन टू राइड रहेगा। मैंने इसको हैवी ट्रैफिक में चलाया, काफ़ी अच्छा ये परफॉर्म कर रहा था। सो दोस्तों, ये वीडियो आपको पसंद है, अगर वीडियो पसंद है वीडियो को कर सकते हैं लाइक, और चैनल पर पहली बार है चैनल को कर सकते हैं सब्सक्राइब। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है ब्लॉगर शुभम। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।